गंदम दा सीटा देखो माशाल्लाह के किन्ना सीटा है। ठीक है, ये अगेती गंदम काशत सी, लेकिन हालिया बारिशों की वजह तो बारिश से झालाबारी की वजह तो गंदम का प्लाट, एक एकड़ का प्लाट, एक एकड़ के विचों तुसी देखो कि तकरीबन मैक्सिमम एक कनाल ले जगह पे जी खाली बची है। लेकिन हुण होएगा कि जिहड़ी गंदम जिहड़ी खड़ी हो गई है, या थोड़ी जी त्रेश त्रेश जिवें जिहड़ी इस तरीके की गंदम होएगी, इस तरीके की वो तो खड़ी हो जाएगी, वो तो खड़ी होने का चांस उसके है ने। और जिहड़ी आ जिवें डिग पई है, आ जिवें डिग पई है हुण, क्योंकि साडा एरिया है लईआ, असीं लईआ तो इस टाइम गल नाल मुखातब है जी। तो हालिया जी बारिशों ने मजीद पेशन कोई खास कर झालाबारी की, तो बारिशों की 23-24 मार्च की ज़्यादा पेशन कोई है। तो जिहड़ियां गंदम आ गिरिया ने, गिर गई ने, वह आ देखो वो थल्ले आ गलना शुरू हो जाएगी। आ देखो ये जड़ का यदि लिंक खत्म हो गया हूँ, आ देखो ना जी आ बारिश तो आ गलना शुरू हो गई, तो मजीद जिस तरह बारिशें पैनिया ने इन्हें फारग हो जाना। यदा असर अगर गंदम खड़ी रही तो यदा असर तकरीबन 45-48 मन एकड़ से निकलना से, लेकिन हूँ ये गिर गई है, ये कम अज कम समझ लो कि 3 हिस्से उड़ गई, एक हिस्सा बच गया। ठीक है, तो यह है सूरत हाल इस टाइम गंदम की। तो गंदम के नाल नाल बागात का भी नुकसान होया, तुहानू उन्हां दा बागात का भी विजिट कराने कि बागात का किन्ना क झालाबारी ने ते बारिशों ने नुकसान किया। है जी आ देखो हुण इस टाइम दाना तुहानू सही नज़र आ रहा है, लेकिन ये जड़ तो जो कनैक्शन कटे गए इस टाइम दाना हैगा दुध आए, ये दाना ने इत ही सुक जाना, ये उस पर असर पाएगा। दूसरी गल ये है अगेती जिहड़ी पछेती है, पछेती देखो और सामने नाल प्लाट पछेती का, पछेती जिहड़ी है पछेती हजे तक ठीक खड़ी, देखो पछेती हजे कुछ ठीक खड़ो, कुछ कुछ लिहाज नाल इहदे तों बेहतर है। ठीक है, ये हुण तुहानूं अगला तुहानूं बाग दिखाने कि बागात का किन्ना नुकसान किया है हालिया झालाबारी ने। आओ जी तुहानूं बाग बाग से लैके जाने हुण बाग वाली साइड से, गंदम का तुहानूं नुकसान दिखाया, हुण तुहानूं बाग का नुकसान दिखा रहे हैं कि जिहड़े दोस्तों ने कटाई कराई थी टाइम नाल बाग तोड़वा के उन्होंने कटाई करवा ली, पौद्या नवीं शाखा कढ़ लिया हैं उन्होंने, जिन्हों का फ्रूट टाइम नाल आ गया सी, उन्हों का फल तो कदे बच गया, नुकसान उही होया दाल नेरी तो इतना नुकसान नहीं होया क्योंकि बाग है, क्योंकि हवा की रुकावट पौधे हवा डकते हैं। तो जोड़ा है झालाबारी, झालाबारी आ देखो कि जी डोडी बन गई है, आ कैमरामैन भाई दिखाते हैं जी, देखो डोडी बन गई है, आ देखो यही तो कोई टेंशन नहीं है, ये काबू हो गया। ठीक है, आ देखो अगे आ मजीद देखो जिते जिते डोडी बन चुकी है, दाना बन गया, उत्थे तो कोई टेंशन नहीं। हाँ, जिते जिते जाला दाना जोड़ा है बर्फ का वो डायरेक्ट डिग गया, उत्थे उत्थे नुकसान होया, उत्थे उत्थे फुल का नुकसान होया, जिवें आप पौधा देखो तो डायरेक्ट इस साइड से झालाबारी हुई है, नुकसान होया। बाकी अल्लाह का शुक्र है कि बागात का इन्ना नुकसान नहीं होया जिन्ना गंदम का नुकसान होया। तो हजे मजीद टेंशन वाली ये गल है कि 23-24 की जी दस रहे हैं बारिश है, महकमा मौसमियात वाले वो बहुत खतरनाक दस रहे हैं। दोस्तों रिक्वेस्ट करांगे कि भाई दुआ किसान वास्ते दुआ करो, क्योंकि जेडे महलों के रेंदे ने उन्होंने की पता भी गंदम किवें लाई दी है, किन्ने पानी लगते हैं, किहड़े हालात के जिमीदार बेचारा सरवाइव करके अपने आप को इस पोजिशन तक पौधे लैके आता है। ठीक है, तो हुण आ के जी इस समय उदों अपनी मेहनत कट्ठी करना टाइम मिलता है, तो मालक की बरदाश जी देखो जी, जो मालक करे वह बेहतर करता वो कामों के मसलहत होंगी है, वह बेहतरी होंगी है, असी नहीं कहते कि गलत होया, जो मालक की रजा। ठीक है जी, वीडियो लगी हो चंगी तो चैनल कर दो सबसक्राइब, मजीद मालूमात बागात की फसलों के बारे एक दूसरे नाल कट्ठे रहेंगे, मिलते जुलते रहेंगे, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਬਾਗਾਤ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਜਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਰਹਿਨਮਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ਸਾਡਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੇ ਅਸੀਂ ਹੈ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।